गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग आज हम अभी तक हम लोग आइसक्रीम मैन जो यूनिट वन का फर्स्ट पोएम है वो कंप्लीट कर चुके हैं इन दैट यू हैव सीन सो मेनी न्यू वर्ड्स आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे होंगे उनका मीनिंग समझा होगा जैसे माउम्स क्लस्टर फ्रॉस्टिफिस ट्रेंडलिंग एंड ब्लेज एटसेट्रा बुक में हर यूनिट में हर चैप्टर में पीछे बुक वर्क भी दिया हुआ है जिससे ये कोशिश की जाती है कि हम सारे जो एस्पेक्ट हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कवर करें अभी हमने वो सब कवर भी किया लेकिन अगर हम एक और चीज इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो वो हम सोच सकते हैं कि आइसक्रीम कैसे इन्वेंट हुई होगी आपको भी कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि आइसक्रीम कैसे बनाई होगी तो अगर हम देखें कि हाउ आइसक्रीम वॉज इन्वेंटेड तो हम बोल सकते हैं इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना ये सबसे पहले कहां पर बनाई गई थी चाइना में बनाई गई थी इसको कैसे बनाया था वहां पर मिल्क पाउडर जो मिल्क पाउडर या मिल्क को राइस पाउडर में और आइस के साथ मिक्स करके इसको स्नो में डाल दिया गया तो कुछ टाइम के बाद जब हमने ये देखी तो ये क्या हो गया था हार्ड हो गई जैसे आइसक्रीम थोड़ा सा हार्ड होती है ऐसे ही वो हार्ड हो गई और लोगों ने उसको क्या नाम दिया आइसक्रीम नाम दिया तो जैसे जैसे चाइना से लोग ट्रेवल करके बाकी सब कंट्रीज में गए तो उन्होंने वहां पे जाके आइसक्रीम के बारे में बताया कि ये ऐसे बनती है फिर लोगों ने उसमें अपने और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो, वो सब किए जिससे हमें डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह जो आज हम सब खाते हैं वो मिले तो चाइना से ही ये जो है इन्वेंट हुई और बाकी सब वर्ल्ड में बाकी सब कंट्रीज तक पहुंची आप सब सोचते होंगे कि और सबने बहुत सारे फ्लेवर्स तो खाए होंगे आई होप कि वेनिला तो सबने ही खाया होगा है ना तो सब सोचते होंगे कि वेनिला ही फर्स्ट फ्लेवर होगा लेकिन ऐसा नहीं है जो फर्स्ट फ्लेवर बनाया गया था आइसक्रीम का वो कैसे बनाया गया था नट्स और उसके सॉरी हनी और उसके ऊपर नट्स का टॉपिंग किया गया था जो हुआ फर्स्ट फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम उसके बाद सब अलग अलग उसमें मिक्स कर कर या कुछ और चीजें डालकर डिफरेंट फ्लेवर्स को बनाया गया तो आपको सबको समझ में आया कि चाइना आइसक्रीम कहाँ से इन्वेंट हुई थी चाइना से तो अभी आप सबको बता सकते हो कि हमने आइसक्रीम जो खाते हैं हम लोग वो कहाँ सबसे पहले बने ओके सो विद दिस वी कंप्लीट अवर फर्स्ट पोयम और हम स्टार्ट करते हैं वंडरफुल वेस्ट दैट इज अवर सेकंड चैप्टर अभी इसमें आप क्या देखेंगे कि कैसे वेस्ट जो है वो भी एक वंडरफुल चीज हो सकती है या उससे भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं ओके दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स एंड पेंसिल्स निकाल लीजिए आपको डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी बताया जाएगा या जहाँ पर मीनिंग समझाया जाएगा आप वहीं पर ही उसको लिख सकते हैं इट विल हेल्प यू इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग जब आप बाद में पढ़ेंगे चैप्टर को तो उसमें मीनिंग वो लिखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ओके सो लेट स्टार्ट ओपन पेज नंबर टेन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वंडरफुल वेस्ट ओके वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल फाइंड आउट फॉर यूर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल वेस्ट जो है वो भी यूजफुल हो सकता है फाइंड आउट फॉर यूर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी अब आप अपने लिए कि कैसे जो वेस्ट है वो यूजफुल हो सकता है अपने से इस स्टोरी को पढ़ के पता करना है ठीक है हम पहले तो नहीं बताएंगे अभी आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा हाउ वेस्ट इज यूजफुल ओके इसमें एक वर्ड जो आएगा आपको जैसा आप देख रहे होंगे वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ओके तो ये ट्रेवन कोर क्या है अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रेवन कोर आपको ये मैप दिख रहा होगा यहां पर क्या है ये केरला ओके okay? तो लोकेटेड इन केरला ये केरला में एक जगह है जस्ट 23 किलोमीटर फ्रॉम कैपिटल ऑफ केरला ओके okay, ये कहाँ पर है 23 किलोमीटर दूर है कैपिटल ऑफ केरला से एंड कैपिटल ऑफ केरला क्या है तिरुवंतपुरम ओके okay? तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एकदम से कि ये क्या है प्लेस ठीक है नाउ आई एम रीडिंग यू आल्सो पुट योर पेंसिल ऑन द वर्ड वेयर वी आर रीडिंग हम जहां पर पढ़ रहे हैं अपनी पेंसिल को वहां पर रखिएगा वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कौर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस ओके एक बार महाराजा जो था ट्रेवन कौर का ऑर्डर वो ऑर्डर देता है ग्रैंड डिनर ग्रैंड मतलब बहुत ही जो लुभाता है या बहुत ही बड़ा जो डिनर है डिनर पार्टी वो ऑर्गेनाइज करता है ऑर्डर करता है अपने पैलेस में वट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलेस पैलेस मीन्स महल ठीक है जो राजा वगैरह जहां पर रहते थे उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं पैलेस ओके तो जो महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर है वो ऑर्डर करता है एक बहुत बड़ा भोज अपने महल में इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर शाम के समय बिफोर द डिनर डिनर से जस्ट पहले द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट फीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाकर और बहुत खाना जब हम खिलाते हैं उन इस वेरी स्पेशल ओकेजन जब उस वाले मील को उस खाने को हम क्या बोलते हैं फीस्ट ओके तो जो महाराजा है वो ऑर्डर तो कर देता है लेकिन जैसे ही डिनर से पहले शाम को वो एंटर करता है किचन में टू सर्वे सर्वे मतलब जांचने के लिए देखने के लिए द डिशेस डिशेस इज़ जो भी वहाँ पे खाना बनाया जाएगा ठीक है जो भी वहाँ पे डिशेस बनाई जाएगी दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट उनको देखने के लिए कि वो क्या ठीक ठाक से बने भी हैं या नहीं बने हैं ओके okay? समझ में आया पैलेसेज महल डिशेस जो भी हम वहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें बना रहे हैं खाना खाने के लिए और फीस मतलब जो भी हम स्पेशल ओकेजन पर गेस्ट बहुत सारे गेस्ट को बुला के जब हम खाना उनको खिलाते हैं उसको हम बोलते हैं फीस्ट What are you going to do with those vegetable scrap? Okay. <clears throat> what are you, what are you going to do विद दोज vegetable scrap? तो अब वहाँ पर जो जैसे आप इसमें देख भी रहे होंगे एक टोकरी सी है उसमें कुछ कुछ रखा हुआ है तो जो राजा है वो क्या पूछता है वट आर यू गोइंग टू डू तुम क्या करने वाले हो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स से वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रैप्स जो वेस्ट चीज़ें छोटी छोटी पीसेस बच जाते हैं किसी भी चीज़ के हम उसको स्क्रैप्स बोलते हैं ठीक है वो ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल स्क्रैप्स ही हो कोई भी चीज़ का जब छोटे छोटे पीसेस जो लास्ट में बच जाएंगे जो एक तरीके से वेस्ट होता है हम उसको कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं स्क्रैप वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप से जो बचे हुए हैं उनसे क्या करने वाले हो ही आग द कुक किससे पूछता है वो कुक से पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक जो बास्केट में एक रखी हुई है कुक के पास बास्केट उसमें जो स्क्रैप है उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करते हुए उसको दिखाते हुए इशारा करते हुए कौन बोलता है राजा बोलता है द कुक रिप्लाइड अब कुक क्या रिप्लाई देता है दे आर वेस्ट ये क्या है वेस्ट है वी विल थ्रो हम क्या करेंगे इसको फेंक देंगे फिर जो राजा है वो क्या कहता है यू कैन नॉट वेस्ट ऑल बिट्स एंड पीसेज ऑफ़ वेजिटेबल अब राजा बोलते हैं यू कैन नॉट वेस्ट तुम वेस्ट नहीं कर सकते इन बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल जो भी ये छोटे छोटे पीसेज बचे हुए हैं टुकड़े बचे हुए हैं वेस्ट के वेजिटेबल्स के आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते फाइंड अ वे टू यूज़ दैम वो क्या बोलता है अब इसको यूज़ करने का तरीका निकालो ठीक है तो द महाराजा कमांडेड स्टर्नली स्टर्नली का मतलब क्या होता है जब हम बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी चीज को बोलते हैं जोर देके बोलते हैं ठीक है यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बेट्स ऑफ वेजिटेबल फाइंड अ वे टू यूज दैम द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे ऐसा वो कमांड दे के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे के चला जाता है द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स फॉर सम टाइम द कुक वॉज इन अ फिस फिक्स माइंड वो एकदम से वहीं पे ही ऐसे खड़ा हो जाता है वो हिल डुल नहीं रहा है और वो एकदम से ऐसे फ्रीज हो गया है कि अब वो क्या करे अब वो तो इसको फेंकने वाला था अब महाराजा ने ऑर्डर भी दिया है तो उसको करना भी पड़ेगा वो डिसोबे भी नहीं कर सकता है उसके ऑर्डर को और वो क्या करता है ऐसा करते करते सोचते हुए कैप्ट स्टेयरिंग स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है स्टेयर ये किससे बना है स्टेयर से एस टी ए आर ई मीनिंग घूरना किसी भी चीज़ को घूरता है घूरने को हम स्टेयर बोलते हैं तो वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उनकी तरफ कुछ समय के लिए ऐसे देखता है घूरता है और सोचता है कि अब वो क्या करें सडनली एकदम से एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड मीन सडनली आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ जाना ठीक है एक आइडिया अगर जैसे आप कुछ सोच रहे हो एकदम से फिर उसको आइडिया आ जाता है ही टुक all द वेजिटेबल bits जो वो टुकड़े हैं वेजिटेबल्स के उन सबको वो लेता है वॉश करता है वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल और उनको अच्छे से साफ करता है देन ही कट दैम फिर वो उनको कट करता है इन टू लॉन्ग स्ट्रिप्स और उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में स्ट्रिप्स मतलब जो पतली पतली सी और लंबी उसमें जैसे हम सब्जी कभी कभी काट लेते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रिप्स ठीक है कोई भी चीज़ जो पतली होगी और लंबी होगी हम उसको स्ट्रिप्स बोलेंगे ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट जिसमें खाना वो बना रहा है पॉट एक बर्तन उसमें बड़े से बर्तन में उसको वो रख लेता है एंड प्लेसड इट ऑन द फायर टू कुक अब बनाने के लिए तो उसको आग पे रखना ही पड़ेगा तो वो उसको कहाँ पे रख देता है फायर आग के ऊपर उस पॉट को रख देता है नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट फिर वो क्या करता है ग्राउंड सम फ्रेश कोई जो ताजे कोकोनट है उसको घिसता है ठीक है ग्रीन चिलीज हरी मिर्च एंड गार्लिक गार्लिक मीन्स लहसन टूगेदर तो इसका मतलब वो जो चटनी सा बना लेता है मिक्स कर लेता है किस किस को किस किस चीजों से बनाता है वो टैल मी कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक ठीक है वो इसका पेस्ट बनाता है He added this paste and some salt to the cooking vegetable जो वो पॉट में वेजिटेबल बन रही है उसमें इन सब वो पेस्ट को और कुछ सॉल्ट को ठीक है कुछ नमक को उसमें मिला देता है Okay till now you understood ना कि एक feast order किया है राजा ने और वो उसने बहुत सारे लोगों को invite किया है और वो उससे पहले जस्ट पहले किचन में जाता है देखने के लिए सर्वे करने के लिए कि क्या क्या डिशेस बनाई हैं तो वो वहाँ पे क्या देखता है कुछ वेजिटेबल स्क्रैप्स देख देखता है अब वो वेजिटेबल स्क्रैप्स से वो क्या बोलता है कि आप इससे वट आर यू गोइंग टू डू विद दो वेजिटेबल स्क्रैप्स तो अब वो तो कुछ नहीं करना जो कुक है वो तो उसको फेंकने वाला था तो वो क्या बोलता है वी विल थ्रो दैम अब हम तो इसको फेंक देंगे लेकिन जो राजा है वो उसको ऑर्डर करता है कि यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज जो वेजिटेबल बिट्स और पीसेस बचे हुए हैं इससे कुछ फाइंड अ वे टू यूज़ दैम और वो ऑर्डर दे के ऐसे चला जाता है तो फिर कुक को क्या एक आइडिया आता है कि वो सबको उनको लंबे लंबे पीसेस में काटता है एक बर्तन में रखता है और फायर पे रख देता है पकने के लिए और फिर कुछ ग्राउंड सॉरी फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज और गार्लिक को कुछ पेस्ट बनाता है और उसमें डाल देता है ओके okay? अभी आगे चलते हैं एक टेम्पटिंग स्मेल टेम्पटिंग स्मेल मीन्स जब आपको कोई भी अच्छी सी स्मेल आती है जो आपको उसकी तरफ खींच रही है जिस लुभा रही है वो आपको स्मेल ठीक है स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द टॉप तो, एक बहुत अच्छी सी स्मेल उस पॉट में से आने लग जाती है नाउ ही विप्ड सम कर वो कर्ड को कुछ मिलाते हैं मिक्स करते हैं फैंटते हैं एंड एडेड इट टू द करी जो ये करी बनी है जो सब इसको वो क्या बोल रहे हैं करी सी यू डबल आर वाई ठीक है इसको अंडरलाइन भी करिए जो जो मैं वर्ड का मीनिंग आपको ऐसे समझा रही हूँ आप उनको साथ के साथ अंडरलाइन भी करते जाइए ठीक है जैसे टेम्पटिंग है जो भी मैंने अभी पीछे पैलेस ग्रैंड फीसट ठीक है ये सब वर्ड आपको अंडरलाइन भी करने हैं नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इड टू द करी जो ये करी बनी है उसमें कुछ वो कर्ड भी मिला देता है दही भी मिला देता है यू ओल्ड नो द मीनिंग ऑफ कर्ड ना इट मींस दही ही ओल्सो पोर्ड सम स्पून फुल ऑफ कोकोनट ऑयल ही ऑल्सो पोर्ड मतलब उसमें डाल देना सम स्पून फुल कुछ स्पूंस कोकोनट ऑयल भी डाल देता है एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स करी लीव्स तो यहाँ पर आप सबने देखी ही होगी एक पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिसको हम करी लीव्स बोलते हैं हम बहुत बार उसको दाल में या वेरियस डिशेज में हम यूज़ करते हैं अपने घरों में भी तो वो उसमें जो क्या डालता है कोकोनट ऑयल और उसको डिश को डेकोरेट कर देता है कुछ करी लीव्स से ठीक है तो अब उसने क्या क्या उनको पकाया है उसमें गार्लिक गार्लिक ग्रीन चिलीज और कोकोनट मिक्स करके कुछ पेस्ट बना के डाला है सॉल्ट डाला है और कुछ कर डाल दिया है जिस और उसको करेले से सजा दिया है लो एंड बी होल्ड लो एंड बी होल्ड मीन्स क्या होगा लुक एंड सी ठीक है आप जैसे वो डिश रेडी हो गई अब अगर आप घर में कुछ चीज़ बना रहे हो और बन गई है तो आप लोगे आप सब क्या बोलेंगे लीजिए एक नया डिश पेश है है हाँ ना एक द डिश वॉज रेडी तो वो क्या होता है लुक एंड सी लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक एंड सी द न्यू डिश वॉज़ रेडी जो नई डिश है वो रेडी हो गई है द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग वो जो कुक है वो उस शाम को जो भी गेस्ट आए हुए होते हैं मेहमान जो आते हैं उनको वो सर्व करता है सर्व करना मतलब परोसना ठीक है परोसता है एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश सब बहुत ही उत्सुक हैं ठीक है ईगर मतलब उत्सुक होना एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश अब सब सोचते हैं हम ये खा तो रहे हैं लेकिन इस डिश का नाम क्या है द कुक थाट एंड थाट अब उसने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था उसने तो एकदम से आज ही बनाई थी ऐसी चीज तो कुक सोचता है सोचता है देन इन नेम केम टू हिस्स माइंड फिर एकदम से उसके दिमाग में एक ने नाम आता है और वो उसको क्या नाम रखता है ही नेम्ड इट एवियर ठीक है उसका क्या नाम रखता है एवियर ए वी आई ए एन उसके बाद से ही जो एवियर बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला अब वो केरला में जो है वो उस इस दिन के बाद से ही सब पूरे केरला में वो फेमस हो जाती है ये डिश एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल केरला फीस जो ट्रेडिशनल केरला फीस जब भी कभी ऐसा भोज कराया जाता है लोगों को इनवाइट किया जाता है तो उसमें ये डिश परोसी जाती है और उसमें ये बनाई जाती है ओके एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट और ये किससे बनी है बास्केट ऑफ वेस्ट से एक वेस्ट जो हम फेंकने वाला था जो कुक लेकिन एक राजा के कहने से उसने उससे एक नई चीज़ इन्वेंट की क्या उसका नाम क्या था एवियल ओके समझ में आया अभी हमने बीच में देखा वेस्ट था वो उसको फेंकने वाला था लेकिन राजा के ऑर्डर करने से उसने सोचा और उसने फिर उससे एक डिश बनाई सब वेजिटेबल्स क्रैप्स को मिक्स करके पका कर उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली और उस डिश का नाम क्या रखा एवियर ओके और टिल देन उसके बाद से ही जो ये डिश है वो केरला में फेमस हो गई और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल केरला फेस्ट होते हैं खाना जो पार डिनर होता है या खाने पे बुलाया जाता है उसमें इसको सर्व किया जाता है ओके तो आपने देखा कैसे एक वेस्ट चीज़ से हम एक यूज़फुल और एक इतनी अच्छी चीज़ हम बना सकते हैं तो ऐसे ही ये बता हमें क्या आ, सिखा रहे हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं फेंक देना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन यूज़ इट हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको और उससे क्या चीज़ बना सकते हैं ओके okay? तो अभी आगे से कभी भी किसी वेस्ट चीज़ को फेंकने से पहले आप उसको देखिएगा सोचिएगा उसके बारे में कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और तभी आप उसको वेस्ट मानिएगा ओके okay? एक बार हम लोग मीनिंग देख लेते हैं अभी आपको ऐसा मीनिंग जो न्यू वर्ड्स हैं वो लिखना नहीं है फर्स्ट यू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन आप इसके चैप्टर को बार बार पढ़िएगा और एक पेज सिर्फ आपको हैंडराइटिंग करना है एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको एक लाइन छोड़कर एक लाइन कर लिखना है एंड डो नॉट फॉरगेट टू राइट द डेट इंडेक्स वो इंडेक्स और डेट डालना आपको नहीं भूलना है और एक लाइन छोड़कर ही लिखेंगे आप बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में एक बार न्यू वर्ड समझ लेते हैं यहाँ पे ग्रैंड फर्स्ट वर्ड इज ग्रैंड जी आर ए एंड डी इट मीन्स इम्प्रेसिव कोई बहुत ही शानदार आलीशान जो बहुत ही अच्छा होगा शानदार होगा हम उसको क्या बोलेंगे ग्रैंड सेकेंड वर्ड इज़ पैलेस आपने चैप्टर में भी देखा अभी पी ए एल ए सी ई इट मीन्स होम ऑफ ए किंग क्वीन और प्रेसिडेंट महल ठीक है जहाँ पे राजा रानी या प्रेसिडेंट भी जहाँ पर रहता है हम उसको भी पैलेस बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट इज फीस्ट एफ ई एस टी फीस्ट इज लार्ज एंड स्पेशल मील ठीक है बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कि एक या दो लोगों को आपने इन्वाइट किया है तो आप उसको फीस्ट बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो इन्वाइटेड होते हैं और कुछ स्पेशल मील बनाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं फीस्ट एफ ई ए एस टी देन स्क्रैप एस सी आर ए पी इट मीन्स वेरी स्मॉल पीस ठीक है कतरन टुकड़ा जो मतलब पीछे ऐसे कुछ चीज़ बच गई है जो बहुत ही स्मॉल पीसेस हैं और वॉन्ट टू गेट rid ऑफ इट हम उसको फेंकना चाहते हैं या फेंक देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्क्रैप सॉरी सडनली एस यू डबल डी ई एन एल वाई सडनली मीन्स इमीडिएटली आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई इमीडिएटली एकदम से तुरंत देन फ्लैश अक्रॉस द माइंड अभी एक ये फ्रेज आई थी हमारे इसमें भी फ्लैश अक्रॉस द माइंड इट मीन्स सडनली थिंक ऑफ आप एकदम से जब सोच रहे हो और आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है हम उसको बोलते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड जैसे इसमें लिखा भी था आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस द माइंड नेक्स्ट इज स्टर्नली स्टर्नली का मीनिंग मैंने आपको बताया था पहले भी इट इज़ वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट ठीक है कोई भी चीज़ जब बहुत सीरियसली और स्ट्रिक्टली हम कुछ कहते हैं हम उसको बोलते हैं स्टर्नली सख्ती से स्ट्रिप्स एस टी आर आई पी एस स्ट्रिप्स लॉन्ग नैरो पीस ठीक है लॉन्ग लंबा और नैरो मतलब पतला ठीक है संकरा जो पीसेस होंगे हम उसको क्या बोलेंगे है ना जब वो खाना बना रहा था तो उसमें से पॉट में से टेम्पटिंग स्मेल आई मीन अट्रैक्टिंग लुभावनी ठीक है ए डबल टी आर ए सी टी आई एन जी देन वाइप डब्ल्यू एच आई पी वाइप मीन्स स्टिर वेरी वेरी क्विकली टू मेक इट थेक और स्टिफ ठीक है जैसे दही को आप ऐसे घुमाते हैं फैटते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं स्टिर वेरी क्विकली टू मेक इट थेक और स्टिफ उस वर्ड उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डब्ल्यू एच आई पी ओके ओके विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर रेड हमने आज इसको पढ़ा और समझा और कुछ न्यू वर्ड्स देखे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको होमवर्क करना है वन पेज हैंड राइटिंग आप बहुत सुंदर से और हर वर्ड को अपने मन में बोल के उसका स्पेलिंग लिखेंगे तो कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगा ओके okay?